हार्ड लवर्स, हम बात करते हैं कैलीग्राफी की। कैलीग्राफी हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये जो आप हैंडराइटिंग देख रहे हैं, ये फॉन्ट देख रहे हैं, ये कैलीग्राफी स्टाइल कहलाता है। और कैलीग्राफी के वर्ड्स लिखने के लिए हमें उसके पेन की ज़रूरत होती है। पेन के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके का पेन यूज़ करना चाहिए हमें कैलीग्राफी का फॉन्ट लिखने के लिए। ये पेन सेट आप देख रहे हैं, ये पेन सेट आपको मिल जाएगा किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे। ये स्पेशल पेन होता है, दिखता फाउंटेन पेन की तरह ही है, लेकिन इसकी जो निब होती है वो कैलीग्राफी करने के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको हम अभी ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये पेन है, इसमें कई सारी निब दी हुई हैं। ये सारी निब डिफरेंट टाइप्स की हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप की इसमें निब्स दी हुई हैं। और ये सारी निब अलग अलग तरह के वर्ड्स आपको दिखाएंगे। ये देखिए हम वन बाय वन एक एक निब को देखते हैं। ये थोड़ी सी फ्लैट है आगे से। आप जो फाउंटेन पेन लेके आते हैं मार्केट से, उसकी निब आगे से पॉइंटेड होती है, लेकिन ये थोड़ी सी फ्लैट है। कैलीग्राफी की जो निब होती है पेन की, वो फ्लैट होती है आगे से, कोई कम होती है कोई ज्यादा होती है। ये देखिए आप, और जब भी हैंडराइटिंग सुधारने की हम बात करते हैं तो हमें पतला पेन नहीं लेना चाहिए। पतला चलने वाला बारीक टिप का पेन यूज करेंगे तो बच्चों की हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी। चौड़ी टिप का पेन यूज करेंगे तो हैंडराइटिंग ठीक रहती है। पेन हम देखेंगे, इसका पेन किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ये पेन है आपका कैलीग्राफी का, इसको ओपन करेंगे और इसमें अलग अलग टाइप की आपके निब हैं। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे, अंदर से ये रिफिल निकलती है इसके। ये यूज्ड है, मैंने इससे काम किया हुआ है, ये यूज्ड है। एक भरी हुई हम रिफिल लेंगे, इसके साथ ही रिफिल्स आती हैं। और अगर ये रिफिल खत्म हो जाए तो आपको अलग से भी मिल जाएंगे स्टेशनरी पे। ये रिफिल है, इस रिफिल को इस जगह से, ये आपको ये जो इसका पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा लंबा वाला, इसको आपको पेन के अंदर ऐसे डालना है। पेन के अंदर डाल के इसको अपने थंब से हम प्रेस करेंगे थोड़ा जोर से। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये अंदर से कट जाएगा और इसके अंदर फिट हो जाएगा ये ऐसे। और फिर आप इसके पीछे का पार्ट इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेन आपका रेडी हो गया है। इसमें मैंने सबसे चौड़ी वाली जो टिप है वो मैंने इसमें यूज की है, उसमें रिफिल डाली है। आप किसी भी एक में अपने मनपसंद का जो आपका टिप है, जितना मोटा आपको वर्ड लिखना है वो लेके, वो चूज करके उसमें आप इसकी रिफिल डाल सकते हैं। पेन को रेडी करने के बाद आप किसी भी तरह का हिंदी या इंग्लिश किसी भी तरह का आप राइटिंग लिख सकते हैं। पेन के टिप को यूज करने के लिए, कैलीग्राफी के टिप को यूज करने के लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। पेन को कैसे चलाना है, अभी हमने सीखा कि पेन में हमें रिफिल कैसे डालनी है और पेन को रेडी कैसे करना है। मार्केट में आपको ऐसा सेट आएगा, इस सेट को लेके आपको पेन को रेडी करना है पहले, फिर आपको उसको चला के देखना है। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले लाइंस वाली कॉपी आप लें, वन लाइन कॉपी ले लें सबसे पहले, क्योंकि आपको इससे लाइन करना सबसे पहले सीखना होगा। हर एक वर्ड में, चाहे आप हिंदी लिखें चाहे इंग्लिश लिखें, वर्ड में आपको लाइंस यूज करनी होती हैं, और वो लाइन की आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पेन से, इस पेन की टिप से जो कि आगे से चौड़ी है।
तो कैसे करेंगे हम इसको यूज? सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे और इस पेन को थोड़ा तिरछा रखते हैं। फाउंटेन पेन आप सीधा रखते हैं, फाउंटेन पेन सीधा रखते हैं, लेकिन कैलीग्राफी का पेन तिरछा रखते हैं थोड़ा सा। ऐसे तिरछा पकड़ेंगे, तिरछा पकड़ के लाइन खींचेंगे बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से। स्ट्रेट लाइन सबसे पहले खींचेंगे और इसी की प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 1-2 पेज हम स्ट्रेट लाइन ही खींचेंगे ताकि कैलीग्राफी का पेन हमें चलाना आ जाए। जब तक हमें लाइंस खींचनी नहीं आएंगी हम पेन नहीं चला पाएंगे ठीक से। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हम स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे थोड़ी टेढ़ी। जब आप इसको राइट हैंड साइड पे खींचेंगे तो ये चौड़ी आएगी। राइट हैंड साइड की तरफ झुकी हुई लाइन खींच के हम चलाएंगे पेन तो चौड़ी आएगी और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलाएंगे ऐसे तो लाइन बहुत पतली आएगी ऐसे। इन लाइंस की आपको प्रैक्टिस करनी है बराबर, तब जाके हम इसको लिख पाएंगे। हमने स्ट्रेट लाइन खींची, ऊपर से भी तिरछी बनेगी है, देखिए आप ऊपर से भी तिरछी बनेगी और नीचे से भी। फिर हमने राइट साइड पे झुकी हुई लाइन खींची, लेफ्ट साइड लाइन खींची, डिफरेंस आएगा लाइंस में। इसके बाद हमें सीधी लाइन खींच के देखना है, सीधी जो कि हिंदी में हम ऊपर लाइन खींचते हैं वो भी तिरछी बनेगी आगे और पीछे से। लाइंस की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लाइंस खींचने के बाद ही आप कोई भी हिंदी या इंग्लिश का अल्फाबेट ठीक से लिख पाएंगे। जैसे हमने बोला आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लाइन आप खींचेंगे तो पतली आएगी, राइट हैंड साइड पे खींचेंगे तो मोटी आएगी इस तरह से। और ये ए, सिंपल आपको वर्ड्स लिखने हैं, सिंपल ABCD, सिंपल अ, नार वाला, आम वाला, ये आपको लिखना है। ए लिखेंगे इस तरीके से आएगा, बी इस तरह से। लेकिन आप पहले ये लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे फिर आपके अल्फाबेट बनने स्टार्ट होंगे। हिंदी लिखेंगे आप तो अ इस तरीके से आएगा, जो हमने लास्ट वीडियोस में पेंसिल से प्रैक्टिस की थी उसी पेंसिल की तरह से हमने अ बनाया है। ये झुकी हुई लाइन ली है, ऊपर भी थोड़ा सा झुका हुआ लिया है और प्रैक्टिस करेंगे। कैलीग्राफी का पेन सेट करने के बाद आप जितना इससे लिखेंगे उतना ज्यादा इसकी निब स्मूथ होती जाएगी, आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना स्मूथ आपकी हैंडराइटिंग होती जाएगी, पेन भी उतना स्मूथ चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी है इसको। पेन सेट आप मार्केट से ऐसा ले सकते हैं, इस तरह का पेन सेट आएगा वो आप ले सकते हैं, या तो फिर आपको ऐसा पेन सेट मिलेगा ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें 1, 2, 3 टाइप्स की आपके पास नेब आएंगी और इसमें आपके पास नेब आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप के नेब्स आएंगी। जिस भी तरह की आप हैंड राइटिंग करना चाहें यूज वो कर सकते हैं पेन को रेडी करके और लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि आगे के वीडियोस हम जो कैलीग्राफी के पेन से प्रैक्टिस के देंगे अल्फाबेट और फॉन्ट्स स्टाइल, उसके लिए पेन चलाना आना बहुत जरूरी है। तो आप ये पेन की प्रैक्टिस करें, सबसे पहले लाइंस ड्रॉ करने की, लाइंस ड्रॉ करने के बाद अल्फाबेट
और फिर आगे के वीडियोस देख के कैलीग्राफी को फॉलो करें। थैंक यू।